अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इस समय मौजूद हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर पर जहाँ पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जी हाँ, आप ये जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के हमीदा हेड से, जहाँ पर की एक लावारिस लाश बहकर आती है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि लाश किसकी है, लेकिन आप जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आप सभी को दिखाने का मकसद यही है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। ये गोते खाती हुई ये लाश दिख रही है, जिसमें कि लाल कलर की इसकी जो है शर्ट बताई जा रही है और वही नीले कलर की पैंट बताई जा रही है। पहले ये लाश यहाँ पर फंस जाती है, फंसने के बाद इसको निकालने का प्रयास जारी होता है, उसके बाद ये लाश यहाँ पर आकर दोबारे फंस जाती है, जिसमें कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं पानी का बहाव काफी क्यूसक मीटर तक है, लेकिन ये जो लावारिस लाश है आप सभी को दिखाने का माध्यम यही है कि किस तरह से फंसी हुई लावारिस लाश है। वही मौके पर प्रशासन भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लावारिस लाश आखिर कहां से आई है, कहां से हो सकती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले यहां पर दो युवकों का शव बरामद किया गया था, नहाने आए थे नहर में, 14 से 15 साल की उम्र के वो युवक बताए जा रहे थे। लगभग 3 दिन के बाद उनका शव मिला था और उनका पोस्टमार्टम किया गया था, और आज एक बार फिर से ये जो लाश आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को जूम करने के प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आप एक कचरे का ढेर देख रहे हैं, वहां पर एक आपको चीज लहरती हुई फंस गई है और उसको तमाम कोशिशें करी जा रही है निकालने की। आप देख सकते हैं वहां पर बबंडर सा बन गया है, बबंडर के साथ साथ तमाम कोशिशें करी जा रही हैं इसको चीज को निकालने की ये क्या है। और वहीं मौके पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग भी इसको प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आप सभी को दिखाने का प्रयास है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के हमीदा हेड पर, आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं खबर को मिलते ही हजारों की लोग में संख्या में लोग पहुंच गए हैं। जी आप सभी को दिखाने का प्रयास करें कि काफी जो मात्रा में यहाँ पर लोग पहुंच गए हैं देखने के लिए आखिर ये क्या हुआ है, किस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हो रही है। यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के हमीदा हेड से, जहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखाने का प्रयास चल रहे हैं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें फंस चुकी है बॉडी, लेकिन अभी तक ये जाहिर नहीं हो पाया है कि बॉडी किसकी है, लेकिन ये एक आदमी की बॉडी बताई जा रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के हमीदा हेड से, जहां पर आप सभी को दिखाया जा रहा है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, रस्सियों की सहायता से प्रयास किए जा रहे हैं, डंडों की सहायता से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस शव को निकाला जा सके और किस तरह जो शव फंसा है इसको निकाला जा सके। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के हमीदा हेड पर, जहां पर आप सभी को ज्यादा जानकारी के लिए दिखाने का प्रयास चल रहा है। जो आप जी हाँ ये जो जाया जा रहा है, आप सभी को दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में किस तरह से मशक्कत की जा रही है, किस तरह से जो है प्रयास किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं लाइव वीडियो के माध्यम से, आपको जो एक चिन्ह दिख रहे हैं, आपको जो एक बॉडी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस तरह से प्रयास है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लकड़ी की सहायता से एक इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के हमीदा हेड से, जहां पर पानी के बहाव के कारण आप सभी को दिखाने का प्रयास चल रहा है। वैसे लाइव वीडियो में इस तरह की चीजें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सभी को ही दिखाने का प्रयास चल रहा है, जिस तरह से धुंधलेपन में आप सभी को ये वीडियो दिखाने का प्रयास चल रहा है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मशक्कत करते हुए आप सभी को दिखा रहे हैं, मशक्कत करते हुए यहाँ पर जो तमाम गोताखोरों की टीम है, जो रेस्क्यू की टीम है, वो मदद कर रही है और इसको निकालने का प्रयास चल रहा है। और जिस तरह से निकालने के प्रयास में सफल होती हुई निरीक्षण की टीम नजर आ रही है, आप देखिए किस तरह से अपनी जान पर खेलते हुए ये लोग
इस शव को निकालने का प्रयास करें। वही मौके पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, सारे लोग भी मौजूद हैं, जो कि आप सभी को जानकारी देने के लिए साइड में कोने पर इसको लाया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील कि प्लीज दूर रहिए, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है जहां पर कुछ भी हो सकता है। वहीं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से गोताखोर, इनका नाम राजीव बताया जा रहा है, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस बॉडी को, इस शव को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी इस बॉडी को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसको पानी के बहाने से, जिसको लकड़ी लाठी के, और जी हाँ, आप सभी से अनुरोध, जिस तरह से आप सभी से अनुरोध, कृपया दूरी बनाकर रखें। और ये जो एरिया है, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के हमीदा हेड पे। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सफल परीक्षण हो चुका है, सफल परीक्षण के साथ साथ इस बॉडी को निकालने में कामयाब हो चुके हैं। मौके पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से प्रशासन एक बार फिर से इसको निकालने का प्रयास कर रहा है, आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें IBN 24 के माध्यम से। जिस तरह से शव फूल चुका है और गोताखोर राजीव की टीम शव को निकालने में कामयाब हो चुकी है, प्रशासन से भी बात करेंगे, मौके पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर पर, जहां पर पूरी कानूनी कार्यवाही के बाद ही इस बॉडी का जो आंकलन किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम मीडिया कर्मचारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, तमाम लोग भी मौजूद हैं। जिस तरह से प्रयास चल रहा है कि काफ़ी जो ज़्यादा बहाव देखने के आता है, और काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सभी से बता देंगे कि ये वाला रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ये एक तरह से प्रॉन एरिया होता है, जहाँ पर जो है दुर्घटना घट सकती है कभी भी। तो इस जो शव की तहकीकात करी जाएगी, शव की शिनाख्त की जाएगी, और उसके बाद मौके पर कार्रवाई की जाएगी। अभी शव को कुछ ही देर में पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर में भेज दिया जाएगा। और जिस तरह से पूरा प्रयास सफल हो चुका है, सुबह से कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने प्रयास सफल करने में सक्षम हुए। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 1.5 से 2 घंटे में मशक्कत करनी पड़ी, इसमें जाके तो निकल नहीं सकती, ना ही रस्सी बांध के जा सकती, क्योंकि जाल इसमें बड़ा सफरा, गोताखोर कोई कामयाब नहीं है, बिना रस्सी के कोई साधन नहीं था इसमें। तो अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी है? जान तो नहीं जोखिम में डाली, पर थोड़ी कोशिश कर दी, किसी का भला हो जाए वही काफ़ी है, पर कोशिश करिए, जान जोखिम में तो नहीं डाली, क्योंकि हमने रस्सी डाली थी, रस्सी के साथ, बांस के साथ बांध के, उसमें इसका फंदा बना के, तो फंदा इसके पैरों में फंस गया। हालात क्या है बॉडी के? हालत तो बस ये ऐसी है, ये रात बरात में उठी है, ताज़ा ही है बॉडी, कई कल परसों की या तीजे की, मतलब अभी से 48 घंटे गड़गड़ में ही हुए हुए हैं, जिस हिसाब से इसकी हालत है 48 या 52-50 घंटे गड़गड़ में हुए हैं। रंग बंद कैसा है इसका? नीली पड़ी, रंग बंद तो इसका पक्का रंग है, बस नीली पड़ी है बड़ी, नहीं वो बस ये धूप जैसे लगती है ना, इससे गैस बन जाती है, उम्र लगभग थोड़ी बहुत नीली पड़ी है। आप जो चीज़ें वो बताना, बॉडी के हालात कैसे हैं, कैसी पड़ी है बॉडी के हालात? थोड़े ऐसे थोड़े नीलेपन में होगी है, क्योंकि धूप लगी है ना इसमें, उसमें थोड़ी पुरानी बॉडी होने के अनुसार जब जब बॉडी ऊपर आती है तो धूप लगती है, तो उससे गैस बनती है, नीलेपन में पड़ जाती है ये, जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे काली पड़ती जाएगी। बॉडी है, कितना आपको प्रयास यहाँ पे करना पड़ा, गोताखोर बुलाने पड़े? गोताखोर राजीव को बुलाकर हमने इसका काफ़ी प्रयास किया, लेकिन निकालना, हम रस्से बांध कर बड़ी मुश्किल से निकाला, निकाल तो लिया, पर लेकिन अभी लागत नहीं हुई किसका है, कहाँ से है, फिर डेड बॉडी पीछे से आई है ना। तो जैसे बॉडी नीली पड़ी हुई है, तो कोई सस्पेक्टेड लगता है कि शायद हो सकता है किसी ने फेंकी ना हो ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कोई वाक्य सामने नहीं आया, जो कि नहर पानी में पड़े दिनों हो जाता है। तो जैसे नीली पड़ी है, तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी, मेडिकल कराया जाएगा? हाँ, मेडिकल पोस्टमार्टम कराया जाएगा, ताकि उसमें जो भी आएगा उसमें सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो नहर में बॉडी होने का पता आपको कितने समय पहले लगा? ये कंट्रोल रूम में किसी राहगीर आदमी ने कंट्रोल रूम में कॉल करके मुझे बताया था, जब मैं उस मौके कितने समय पहले, लगभग 2 घंटे पहले। सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा इसको? हाँ, इसको पोस्टमार्टम के लिए रखा जाएगा, इसको 72 घंटे के लिए वैसे रखा जाएगा, ताकि इसकी शिनाख्त कराई जाए, ताकि इसके पेरेंट्स को मिले मोर्चरी में। कितने समय के लिए? 72 घंटे। 72 घंटे के लिए, धन्यवाद। जी हाँ, तो जिस प्रकार आपने सुना और आपने देखा कि लावारिस लाश को निकालने में यमुनानगर पुलिस प्रशासन की टीम, साथ ही साथ गोताखोरों की टीम जो लगी हुई थी, वो सफल परीक्षण हो चुका है। और जिस तरह से
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि कुछ ही देर में इसको 72 घंटे के बाद शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और उसके बाद यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में इसको मोर्चरी हाउस में भेज दिया जाएगा और पोस्टमार्टम की आगे की प्रक्रिया चलेगी। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी से अनुरोध है इस तरह के प्रोन एरियाज में ना आइए, जहां पर सबसे ज्यादा डर रहता है, खतरा रहता है, डेंजरस पॉइंट्स होते हैं। और आज जो है कुछ ही दिन पहले यहाँ पर 2 बच्चों का भी शव पाया गया था। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वही आप क्यों से पानी देख रहे हैं जो काफी तेज बहाव में, अर्धवन नदी के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन लोग आसपास के हमीदा के नाम से जाना जाता है, तो इसको हमीदा हेड कहते हैं। जी हाँ, आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूँ संयम आप सभी के साथ।